अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब खैरियत से हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको आजमाइशों से, बीमारियों से बचाए। ये देखिए, जहाँ से मैंने पिछला ब्लॉग एंड किया था वहीं से ही स्टार्ट किया हुआ है। तो ये देखिए, चंद रात का दिन था, मैंने रोज़े इफ्तारी पर ब्लॉग को एंड किया था। ये उसके बाद का ब्लॉग था। ये थोपी का खवा मैंने काढ़ा हुआ है, ये कद्दू का हलवा बना रही हूँ। मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था ना, तो बच्चों ने कद्दू को तुरप कर दे दिया था, तो मैं ये बना रही थी। 9 बजे का वक्त था, तो मेरे हस्बैंड अभी आए नहीं थे, बेंगलुरु से 9:30 बजे आएंगे। तो अभी थोड़ी बहुत शॉपिंग बाकी है, तो कुछ सामान भी ख़रीदना है मुझे, और जो भी सामान ख़रीदना है मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मैंने कद्दू का खीर बना दी थी, साबुदाना खीर थी, सेगू का मीठा बोलती है हमारे यहाँ, सेगू का मीठा बना दिया था। ये फाल बना ली थी मैंने, बाजू मैंने राइस को भीगने के लिए छोड़ दिया था, अभी चढ़ाया नहीं, तो चढ़ा दूँगी अब। तो बच्चे के लास्ट एंडिंग शॉपिंग थी, बच्चों का शूज़ बाकी थे ना, तो वो नहीं लिए थे, मैंने दिखाया था ना, तो वो लेना बाकी है, वो जा कर लेंगे। और जो भी सामान थोड़ा बहुत थे वो ले कर आएंगे। चलिए चलते हैं। तो मैं हो गई थी रेडी, बुरखा मैंने पहन लिया था, तो निकल रही थी अब। तो देखिए, मैं आ गई थी शॉप खरीदने। तो मुझे आइडिया नहीं था, मुझे कलर बहुत याद नहीं रहे थे, साड़ी नहीं थी मैं इस बार, मैंने साड़ी को लिया था तो मुझे कलर याद नहीं रहे थे, तो जैसे चाहे ले गया। तो आ गए थे घर हम, तो देखिए 11:30 बजे थे, गई थी मैं 9:15 बजे, आई और 11:30 बज गए थे। तो खीर कद्दू का मीठा तो मैंने बना लिया था, बादाम नहीं थे मेरे पास, मेरे हस्बैंड से मंगाई मैं बेंगलोर से अभी अभी, तो मैंने मीठा तो पका दिया था, उसमें ड्राई फ्रूट कुछ नहीं डाला था मैं, तो मैंने भीगने के लिए पानी बॉईल कर रख दिया था। तो एक कस्टर्ड बना रही हूँ, कस्टर्ड जूस बना रही थी। तो एक केजी का बॉक्स था, लेकर आती हूँ मैं कभी भी, लेकिन ख़त्म हो गया था, तो मॉल में भी नहीं था, ये फ्लेवर भी नहीं था वनीला फ्लेवर, तो मैंने छोटा ही पैकेट लेकर आई थी। तो पिछले साल ली थी मैं ये बॉक्स, तो इस साल ख़त्म हुआ था माशाल्लाह से, 1 साल 1 केजी आया था। एक सूखे खजूर थे तो भीगने के लिए डाल दिया था मैंने, साकिब को फेवरेट था सूखे खजूर का हलवा, तो उसने कहा था बनाने के लिए, तो मैं 1 किलो सूखे खजूर को भीगने के लिए डाल दिया था। सारी रात वो भीग जाएंगे, तो कल सुबह बना लूँगी हलवा। फिलहाल के लिए मैंने कद्दू का सागू का मीठा बना लिया था, कद्दू साबुदाने का मीठा बना लिया था। तो अब कस्टर्ड का जूस बने, कस्टर्ड नहीं बना रही मैं, कस्टर्ड का जूस मैंने बताया था ना आपको पहले भी, तो वो जूस बना रही थी। देखिए वनीला फ्लेवर था मेरे पास, तो फ्लेवर ही नहीं था, मॉल में भी ख़त्म हो गया था कस्टर्ड पाउडर। तो कभी भी 1 केजी का बॉक्स लेकर आती हूँ मैं, 1 साल चल जाता है मुझे कभी भी। तो पिछले साल उधर के साल लेकर आई थी, तो पिछले साल ख़त्म हुआ था, गए साल ईद को लेकर आई थी, तो इस साल ख़त्म हुआ था, लेकिन इस बार मुझे मिला ही नहीं था 1 केजी का। तो सब भी डिनर कर रहे थे, मेरे हस्बैंड और बच्चे। तो मैं मीठे 2 पका कर, तो 2 मीठे पका गए थे, बच्चे खा कर सो गए थे। तो ये मेरी ताखरात तो माशाल्लाह से ख़त्म हो गई थी, आज ईद की रात है ना, आज की इबादत बहुत अफजल थी। तो मैं नमाज़ पढ़कर तो सारा कुछ क्लीन किया है, दिखा रही थी ना मैं आपको, ये सब नहीं क्लीन किया हुआ था। तो मैं ये हवा के लिए खुद खोल दिया था, आधी रात हो गई थी ना, तो गर्म हवा आ रही थी घर में, इसलिए मैंने दरवाजे को खोल दिया था, इसलिए मैंने दिखा दिया था आपको, तो ठंडी हवा आ जाएगी वहाँ से। तो वही नमाज़ पढ़ते बैठी थी, इसके बाद दुआएं वगैरह जो भी थे। आज की इबादत बहुत अफजल है ना, अल्लाह ताला को भी आज की इबादत बहुत अफजल मिलती है, आज सारे रमज़ान की इबादत का हो, हमारे जो भी हमने नेकी की हो सबका आज फल देता है अल्लाह ताला। तो आज मेरा अजर मिलने का वक्त था, तो हम सो कैसे सकते थे। देखिए मैं पढ़ते 12 बजे तक मैंने मीठे 2 पका कर ख़त्म कर दिए थे, बच्चों को भी सुला दिया था, तो बेडशीट नहीं बदली थी मैंने, इसी पर ही बैठ गई थी, वक्त बता रही मैं आपको। देखिए 3:12 हो गए थे, 12-13 मिनट हो गए आपको दिखाई, तो फजर पढ़कर इंशाल्लाह से सोऊंगी मैं अब। तो तबारक हो गए, यासीन हो गए, जो भी दुआ वगैरह थी आज सब जाग कर अल्लाह ताला से मांगने का वक्त था, तो सो कैसे सकते हैं ना। तो मैं पढ़ रही थी, तो इंशाल्लाह कल सुबह में जो भी बनाती हूँ मैं आप सबको सारा कुछ बता देती हूँ। तो चलिए, तो ये देखिए नेक्स्ट डे सुबह हो गई थी, 7:45 का वक्त था। तो
तो मैं ही सुबह में फजर पढ़कर सो गई थी, 5:15 के करीब मैं सोई, तो 7:30 को उठी थी, 2 घंटे की नींद हो गई थी माशाल्लाह से। बाद में सो लूँगी, आज काम का वक्त का दिन है ना, तो आज एक दिन ही है जो हार्ड वर्क करना है। तो मैंने आटे को गूंद लिया था, तो साखर को दे दिया था, जो मैंने रात में खजूर भीगने डाले थे ना, उसके बीन्स काट कर आधे आधे बनाने के लिए साखिब को दे दिया था, तो उसकी ही फरमाइश थी ना सूखे खजूर का मीठे की, इसलिए मैंने कहा था बीन्स काट कर दे तो भीगने डालूंगी, तो उसने हाँ कहा था, तो मैंने सुबह सुबह उठाकर उसे बिठा दिया था। नमाज का भी वक्त हो रहा था ना, तो ये मैं आटा गूंद लिया था, फल का शेरवा था, तो मैं ये शीर खुरमा बना रही हूँ, इसे नाश्ता कर लेंगे। तो आज जमात ईदगाह में 10 बजे रख दिया था, नहीं तो हर साल 11 बजे के वक्त रखते हैं, पता नहीं क्यों, इसलिए 10 बजे था, इसलिए मैंने जल्दी उठकर सारा काम कर दिया था। तो सारा काम भी कुछ नहीं, थोड़ा बहुत काम होता है ना वो कर दिया था, तो इसके बाद हमारी हार्ड वर्किंग शुरू होती है, दोपहर तक लगातार काम चलता है, इसके बाद लेकिन से आराम करते रहो। अब तो रमज़ान तो हो गए ना, तो ये देखिए मैं शीर खुरमा बना रही हूँ, बहुत बार बताया हुआ है आपको, तो मैंने घी ऐड कर दिया इसमें, थोड़ा सा जो भी था हमारे पास, मेरे पास स्पाइस, इलायची, लौंग, चकला, ये डाल दूँगी इसके ऊपर, जो भी ड्राई फ्रूट मैंने काट कर रखा हुआ है वो ऐड कर दूँगी, ऊपर से मैंने सेवियाँ को फ्राई कर लूँगी, इसके मैं डाल दूँगी मिल्क और शुगर अपने हिसाब से डालकर दम पर छोड़ दूँगी। फातह भी दिलाना बाकी है, तो वक्त भी हो रहा था, बच्चे भी शावर ले रहे थे, तो क्या हुआ ना, कल मैं गई तो शॉपिंग को आपको दिखाने का वक्त नहीं मिल रहा था, इतनी भीड़ थी, मोबाइल पकड़े तो मोबाइल कुछ नहीं दिख रहा था, सिर्फ लोगों के बुरखे दिख रहे थे, ब्लैक बुरखे, तो मैंने इसलिए कुछ भी शूट नहीं किया। तो 9:15 के वक्त निकली थी मैं, आते आते 11:30 बज गए थे, सिर्फ मीठे का सामान लेना बाकी था मुझे। मेरे यहाँ ईद पर ज़्यादा कुछ नहीं बनता, सिर्फ मीठे ज़्यादा बनते हैं, कुछ भी फ्राइड आइटम, कुछ चिकन हो गया, फ्राई हो गया, शीख हो, फाल हो, कुछ भी नहीं बनता, कोई खाते भी नहीं, सिर्फ मीठे खाते मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड, मीठे के इतने शौकीन हैं, तो उनको मीठे ही 3 से 4 वेराइटी में चाहिए, इसलिए मैं मीठे ज़्यादा बनाती हूँ। तो खाने में सिर्फ बिरयानी बनाती हूँ, रायता बना लेती हूँ, सैलेड यही होता है, तो नेक्स्ट दिन भी मैं बिरयानी ही बनाती हूँ, तो थोड़ी बिरयानी बना लेती हूँ ईद के दिन, तो नेक्स्ट डे भी मैं सुबह ही जो नाश्ता होता है तो नाश्ते को भी मैं फ्रेश बिरयानी बनाती हूँ, हर साल यही होता है, तो देखते हैं इस साल क्या होता है। तो ये देखिए मैंने शीर खुरमे के लिए सारे फ्राई कर दिया, इसमें दूध डाल दूंगी, तो मुनक्खा मैं कभी भी ऊपर डालती हूँ, जब तेल में डालेंगे तो ये फूटता है, मुनक्खा फूल जाता है और इसका कोई हिसाब भी नहीं है, जो रोस्ट भी नहीं होता वो, इसलिए मैं ऊपर से मुनक्खा डालती हूँ। तो ये देखिए मेरा फ्राई हो गया था, अब मैं नाश्ते को बनाकर रोटी बनाकर दे दूंगी, सबसे पहले सेवियाँ दम पर छोड़कर मैं फातह दिला लूँगी जल्दी जल्दी में, तो इसके बाद मैं नाश्ते को बनाकर दे दूँगी, सब बच्चे खाकर नमाज को चले जाएंगे। तो इजहान भी ज़िद कर रहा था इस बार जाने के लिए, गए साल भी गया था बच्चा नहीं, हाँ रमज़ान में नहीं गया था, बकरीन में गया था, तो बच्चे होते हैं ना, धूप बहुत होती है ईदगाह में, खुला होता है ना, ऊपर से कुछ भी ढका हुआ नहीं होता ना, इसलिए मैं इजहान को नहीं भेज रही थी, तो इस बार जाने की ज़िद कर रहा था तो भेज दूंगी। तो ये देखिए शीर खुरमा बन गया था, मैं फातह भी हो गई थी, और मैं नाश्ता बना रही हूँ, पराठे बना रही थी, तो बनाकर जल्दी जल्दी से मैं दे दूंगी। इसके बाद थोड़ी बहुत साफ़ सफाई बाकी है, कर मैं आपको बताती होती हूँ सारा कुछ जो भी था। तो जल्दी जल्दी मैं टेढ़ाई मेढ़ी आड़ी टेढ़ी जो भी रोटी बन रही थी मैं बना रही थी, वक्त हो रहा था ना तो हाथ भी चल नहीं रहे थे फास्ट में, तो जल्दी 10 बजे जाना था जमात, तो मैं भी रात कल से और 2 दिन से सोई नहीं ढंग से, तो नींद नहीं हुई, तो थकावट बहुत है, खैर आज काम है। देखिए आइए, हल्लो हल्लो रहो एक लाजा, इतर इतर उठा लो, इतर संट जुब्बा पहन जाओ, पहले जुब्बा पहन दे, 10 घंटे हो रही है, देखो यहाँ रखती है कहाँ साकिब,
क्यों नीचे से कर दले ऐसा। चलो तो 10-10 हो गए थे, तो ये ईदगाह के लिए निकल रहे थे बच्चे और मेरे हस्बैंड सब। तो चलिए अब काम शुरू करते हैं। सबसे पहले नाश्ता कर लूँगी, बहुत थक रहा है जान, तो भूख भी बहुत लग रही थी। देखिए सारा फैला फैला बिखरा पड़ा है, जब तक ये आएंगे सारा सामान कर पकवान भी होना चाहिए था। ये रात में मैं मीठे का सामान लेकर आई थी, तो खजूर मैंने साखिब से बीन्स कड़वा कर उसमें से हाफ एक में चार बना लिए थे। ये रोटी थी तो अब मैं खा लूँगी। फल थी, रात की फल थी ना, मैं कभी भी दूसरे दिन ईद होती है ना, तो जो भी ईद हो रात में फल का शेवा बना देती हूँ, खा लेंगे तो वही फल के शेवा के साथ जो भी मीठा है, मीठे में रोटी खाते हैं सेविया में मेरे यहाँ, तो मेरे बच्चे सभी, पता नहीं मुझे क्या, मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं फल भी रोटी खा लूँगी। तो मेरी नाश्ता हो गया था, तो बादाम छील रही थी, रात में भिगने डाली थी ना बादाम, छिलका काट कर रख दिया था तो जल्दी हो जाएगा, काट लिया था। तो कल मैंने मीठा नहीं बघारा था, ऐसे ही कद्दू का मीठा बना दिया था, बादाम ख़त्म हो गए थे, काजू सब था मेरे पास, बादाम नहीं थे, ख़त्म हो गए थे। तो मेरे हस्बैंड आकर मैं बनाती तो वक्त हो गया था, इसलिए मैंने कद्दू का मीठा ऐसे ही बना लिया था बघार कर घी में, तो सारा कुछ बना दिया था, सिर्फ ड्राई फ्रूट बघार कर तलना था। तो मैं ये घी में रोस्ट कर रही हूँ, इतने बादाम में, आधे बादाम में इसमें डाल दूँगी कद्दू के सेगू और कद्दू के मीठे में, सेगू और कद्दू के मीठे में डाल दूँगी फ्राई कर कर। तो आधे बादाम में ये डालूँगी, सूखे खजूर का मीठा जो बनाऊँगी उसमें डालूँगी। कस्टर्ड जूस के लिए मैं कच्चे ड्राई फ्रूट यूज़ करती हूँ कट कर कर, वो भी आप बाद में दिखा दूँगी। तो ये मेरे फ्राई हो गए थे, मैं इसमें ऐड कर कर तो मिक्स कर कर फ्रीज में रख दूँगी, तो वो ठंडा कोल्ड होंगे तभी मेरे हस्बैंड को मीठे जब भी पसंद आते हैं, नहीं तो वैसे भी खा लेते हैं, लेकिन कोल्ड ठंडा ऐसे मीठा चाहिए उनको। तो फ्रिज में रख दूँगी मैं, देखिए मैं पूरे फ्रिज में दो मीठे भी, एक कस्टर्ड और मीठा दो भी रख दिए थे। तो ये मैं बना रही हूँ सूखे खजूर का मीठा, सूखे खजूर मैंने रात में भिगने डाल दिए थे, ऊपर से मैंने सुबह ही छिल कर बीन्स काट दिया था, तो वो छोटे टुकड़े में काट कर मिक्सर में पीस लिया, तो उसके ऊपर पीस दूध डालकर पीसना है, पानी तो बिल्कुल भी ऐड नहीं करते सूखे खजूर के मीठे में, सिर्फ गाढ़ा दूध डालकर पीसना है। तो इसमें डाल दूँगी, देखिए लौंग चकला इलायची और घी में बघार लिया था, उसके ऊपर मैं बादाम डालती हूँ, काजू नहीं डालते इसमें, सिर्फ बादाम ही जाता है। तो उसके ऊपर मैंने जो भी पेस्ट बनाया हुआ था दरदरा सा सूखे खजूर का, वो ऐड कर दिया, खवा शुगर ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद ये इसे अच्छी तरह से भूनना है, सूखा बनाना है, हलवा होता है ना जिस तरह से हम हलवा बनाते हैं ना, इस तरह से बनाना है। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैंने इतनी जितना हो सके इतनी रेसिपी बताई है, लेकिन आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो सूखे खजूर का मीठा चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको डिटेल्स में सारा बता दूँगी बाद में। तो ये देखिए इस तरह से सूख कर मेरा मीठा बन गया था, माशाल्लाह से बहुत अच्छा बनता है, बनाकर देखिएगा। तो सूखा खजूर का मीठा फाइनल बन गया था, तो ये देखिए दिख रहा है आपको, फाइनल ये भी मीठा कंप्लीट हो गया था, शेर खुरमा बन गया था और सूखे खजूर का मीठा एक बन गया था, कस्टर्ड जूस बन गया था। तो रात में ही मैंने बना लिया था कद्दू का मीठा, चार मीठे हो गए थे, अब बिरयानी बनाना बाकी है। तो बाजू मैंने गोश्त भी चढ़ा दिया था, अब कुछ नहीं करूँगी, सब साफ़ सफाई कर लूँगी। चलिए तो ये देखिए बच्चे और मेरे हस्बैंड आ गए थे ईद की नमाज से, तो 12 बजे का वक्त हो रहा था, तो मैंने जब तक ये आई है तो मैंने सारा कुछ काम कर दिया था, बस बिरयानी बजाना बाकी था, शेल्फ क्लीन, बस बर्तन क्लीन हो गए थे, घर क्लीन कर दिया था, सारा कुछ कर दिया था, अब बिरयानी बाकी है, बिरयानी बना लूँगी आप इसके बाद मैं आपको बताती हूँ। जो भी अकेली होती हूँ ना तो वक्त नहीं मिल रहा मुझे, ईद का भी दिन है, थके हारा भी है, तो वक्त नहीं मिल रहा मुझे शूट कर आपको जो भी बनाने के लिए, कुछ भी बताने के लिए। तो आज आपकी ईद कैसे गुजर रही थी अब मुझे बहुत ज़रूर बताइएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आप सबको भी मेरी तरफ़ से बहुत 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 ईद मुबारक, आप सबको ईद उल फितर मुबारक हो, अल्लाह ताला हम सब के जायस मुरादें तमन्नाएं पूरे करें हम सबसे, तो सबसे सबके दिल से जो भी जायस तमन्ना हो अल्लाह ताला वो सब कामयाब करे, सबकी मुरादें पूरे हो। तो ये देखिए मेरा दस्तरखान, तो मैंने सैलेड की प्लेट बना ली थी, प्लेट में सारे बिरयानी बनाकर प्लेट में काट लिया था, ये शूर खुरमा था, ये कद्दू का मीठा था, बाजू मैंने सूखे खजूर का मीठा रखा हुआ, ये जूस बाद में खाएंगे, जूस अभी नहीं बनाती, कोल्ड होगा, तो अब फ़िलहाल के लिए इतना खा लेंगे, बाद में शाम पढ़ते जब भी हो
जो बनाएंगे जब बता देती हूँ मैं आपको। तो ये 4:30 हाँ 3 बजे का वक्त था। इसके बाद अच्छे अभी भी कपड़े नहीं पहने थे, सुबह ही जो भी जुबा शरी था वो पहन कर गए थे नमाज को। तो ये देखिए बिरयानी बना ली थी इतनी सी। इसके बाद मैं बच्चों को कपड़े पहना दूंगी। चलिए पहन रहे हाँ तो लियो पहनो लारे सक्स। अच्छा ही नहीं कैसे हुआ हाँ काले कया ना गए साल के भी काले ये साल के भी काले ना थे। खाली अब एक एक टाइम पेपर हंसमेंस डालो पहनो जल्दी तो जल्दी खड़ो फोटो खर्चो खर्चा मिल को क्या नीचे मुंडी बराबर ही शुभा अच्छे कंफर्टेबल ही क्या भी जरूरत नहीं है। तो हो गई थी मैं भी रेडी। 7 बजे का वक्त था, बच्चों को मैंने 4 बजे रेडी कर दिया तो बच्चों को भेज दिया था। तो बच्चे घूमने चले गए तो मैं थोड़ी देर सो गई थी, 4:30 से 5:30 घंटे तक सो गई थी, 1 घंटा टाइम रेस्ट ले लिया। इसके बाद मैं रेडी होने के लिए उठी थी मकरी से, 6 बजे से 7 बजे लग गए थे मुझे इतना रेडी होते होते। ये देखिए मैंने ये साड़ी ली थी तो डबल कलर की साड़ी थी, बहुत बहुत अच्छी लग रही थी। मैं नहीं कह रही थी, जो भी देख रहा था वो कह रहे थे बहुत अच्छी लग रही थी। मेरे बहन हो, अम्मी हो, खाला हो, जो भी हो, बहन वीडियो कॉल कर रहे थे वो सब कह रहे थे आप दीदी आप पर बहुत अच्छी लग रही थी, साड़ी का कलर भी बहुत प्यारा था। तो बहुत ही रेयर कलर था ना ये, बहुत अच्छी। आप कैसा लग रहा है आपको मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अम्मी के घर पर जाना है अब, तो अम्मी के घर चलते हैं। पहले हमारे ननन के यहाँ जाएंगे, उसके बाद अम्मी के घर जाएंगे। तो आते आते 10 बज जाएंगे, पता नहीं कितना बजेंगे। 7 बजे का वक्त था तो मैं कभी भी ईद पर सोकर ही उठती हूँ, थक जाता है जान। 7 बजे 4 बजे तक सारा काम फिनिश कर देती हूँ और 5 बजे तक रेस्ट ले लेती हूँ, 5 से 6 तक। इसके बाद रेडी होकर जाती हूँ, थकता है जान तो भी मन नहीं करता रेडी होने के लिए, इसलिए फ्री भी हो गया था दिमाग और बॉडी सब। तो मैंने बुरखा भी पहन लिया था। अब चलिए निकलते हैं सीधा अम्मी के घर, दिखाती हूँ मैं आपको वहाँ का व्लॉग। सुबह से कल से नहीं गई अम्मी के घर भी। तो देखिए मेरा मेकअप कैसा लग रहा है आप सारा कुछ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए खड़ो ना हंसना है ना यहाँ इधर की हुआ आमिर कपड़े बदला लगा के सो नाच नाच को पसीने में ये होगा था उसे उसे दूर भेज चलने का था ना तो वैसा पकड़ अमो अमो यहाँ देखे फोन मांग लगा जी वो फोन दिया हसलेन को दिया सर पर बोली कोई अमो कीली मांग लगा अमो कीले खाने में बिजी है रति पाउडर लगा उसे अमो दियो हसनैन दियो किसकी है अंकल की किसकी है अंकल की बोल रहा ना अंकल की करके हसनैन तो कहाँ कर रहे देखेंगे अमा जी कैसा कर रही है सो आइयो कैसा करना सो हम ये देखो बच्चा करता सो देखो यहाँ चॉकलेट आया कि नहीं फाड़ को मुंह में कर लूंगा आइयो कहाँ कर ले सो
का कर लाशो हस्बैंड कैसा तब मेरे पापा दिखो हस्बैंड पापा दिखो तुम ना अच्छे ही हूँ ना हस्बैंड ही हूँ मैं देखो यार हस्बैंड पापा अच्छे ही क्या बोला लो अम्मा गे हस्बैंड यहाँ देखो यहाँ यूँ का ना पापा गलीज होती उठका बंद करो इधर इधर हूँ इधर फिरो दलो जाना अरे ये कपड़े बिकती 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 अरे पूरे पप्पो गए बंद कर जा बाबा नल बंद कर जा आजा 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 बस आजा तो हाथन धली आजा पापा गलीज होती साग सब पी नहीं है बच्चे को आजा आजा रख दल वहां चो रख दल का हाथन धो ले अयो देखिए फिर क्या सो टप ये घड़ को फेंका सीधा पर टप बकेट में टप में गया ड्रम में होगा क्या मैं धो ली कौन दिखा हाथन हाथन दिखा अयो अमो मेरे बच्चे की मेहंदी दिखो अयो मेहंदी दिखो हसनैन कौन फड़स मेहंदी कन दिखो हसनैन मेहंदी दिखो मेहंदी दिखो अमू मेहंदी दिखो मेरे बेटे की का दिखो सुमी को माम हतम पाक हो गए और एक चॉकलेट उठा रहा सनिया ने हम भी है नको गे मी अभी कहते बस बस हस्बैंड बस बस पीने का पानी नको कम्मा तो आ गए थे हम सब घर बच्चे थककर भी सो गए थे आखिर भी जंत हो गए थे साहिब उनके फुपेरे भाई के यहाँ मन्ना इनके बच्चे जो फिर घूमने गए थे कहीं गए थे याद भी नहीं आ रहा तो उनके साथ मैंने भेज दिया था जाने के लिए कहा था बच्चा भी चले जाएगा ना अब मदरसे को इसलिए मैंने उसने जाने के लिए कहा तो हम दोनों ने डिसाइड कर भेज दिया था तो बच्चे थक कर सो गए मेरे हस्बैंड सो रहे नहीं रहे टीवी देख रहे थे तो मुझे लग रही थी भूख तो मैंने बिरयानी डाल कर लेकर आ गई थी 11:15 का वक्त था तो अब खा लूँगी मेरे हस्बैंड ने अम्मी के घर बिरयानी खा ली थी इसलिए उन्होंने नहीं खाया बच्चे भी सो गए थे थक कर तो अब मैं खा लूँगी डिनर तो आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक आज के ब्लॉग में इतना ही था अगर आपको मेरे ब्लॉग में कुछ भी सीखने को मिला हो तो मुझे लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा सब्सक्राइब कर दीजिएगा अच्छा लगा हो तो दुआओं में ज़रूर से याद रखिएगा सबको ईद उल फितर बहुत बहुत मुबारक हो जो भी मेरा ब्लॉग देख रहे हैं उन सबको मेरा तरफ से ईद बहुत बहुत मुबारक हो खुदा हाफिज़ अल्लाह हाफिज़ दुआ में ज़रूर से याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़ मिलती हूँ कल नेक्स्ट ब्लॉग में कल बासी ईद है सब कुछ बासी ही खाना होता है लेकिन देखेंगे फ्रेश क्या बनाना होगा चलिए।